सीसीपीओ वजीर आला की झप्पी में रहेंगे या विफाक जाना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने ताहाल सीसीपीओ का तबादला रोकने के लिए विफाक को खत ना लिखा। गुलाम महमूद डोगर को धमकी तो मिली पर विफाक को चिट्ठी ना मिली। तबादले के बाद वजीर आला ने सीसीपीओ को रोक लिया था। अहकाम पर अमल ना करने पर विफाक सीसीपीओ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वजीर आला के चहेते अफसरान पर नवाजिशें। ग्रेड 19 के जूनियर अफसर को गुजरात का कमिश्नर लगा दिया गया। वजीर आला परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। अहमद कमाल मान वजीर आला सेक्रेटेरिएट में स्पेशल सेक्रेटरी तैनात थे। अहमद कमाल मान को आज ही गुजरात पहुंचकर चार्ज लेने की हिदायत। गुजरात में सड़क की तामीर के लिए प्राइवेट लैंड खरीदने का फैसला। सड़क की तामीर के लिए 312 एकड़ प्राइवेट एराजी खरीदी जाएगी। जमीन की खरीदारी के लिए 80 करोड़ 88 लाख के फंड्स मंजूर। पंजाब हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर फंड्स की मंजूरी दे दी। जमीन की खरीदारी के लिए स्कीम को बाकायदा बजट का हिस्सा बना दिया गया। सराय के मुताबिक ऐवान वजीर आला की सिफारिशात पर जमीन खरीदने का कहा गया है। लोकल गवर्नमेंट के 803 सीनियर तरीन अफसर फिर नजरअंदाज। नए बल्दियाती एक्ट में ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक के अफसर मायूस। 100 जूनियर तरीन अफसरान को नवाजने का इंकशाफ। सीनियर ऑफिसर डट गए। गवर्नर पंजाब को एक्ट 2021 का सेक्शन 187 खत्म करने की इस्तदा। आईजी पंजाब फैसल शाहकार का सीपीओ में मुख्तलिफ ब्रांचेस का अचानक दौरा। आईजी ने स्टाफ से वर्किंग बारे दरियाफ्त किया। आईजी फैसल शाहकार ने मुख्तलिफ ब्रांचेस की इंस्पेक्शन की। शहरियों की शिकायत फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। जर्मन सफीर एल्फ्रेड का दौरा लाहौर। मुख्तलिफ रिवायती अशिया को देखकर जर्मनी सफीर तारीफ किए बगैर ना रह सके। दहली दरवाजे में जर्मन सफीर के सामने सकाफती रक्स भी पेश किया गया। जर्मन सफीर और फर्स्ट सेक्रेटरी ने कीमे वाले नान भी खाए। सजावटी टुक टुक पर सफर किया। मस्जिद वजीर खान का भी दौरा किया। पंजाब पुलिस के अफसरान शहदा के अहले खाना को भूल गए। 350 शहदा के अहले खाना के पेंशन में 4 गुना इजाफे की समी जेर इल्तवा है। सीटीओ मुंतजर मेहदी का स्मार्ट लाइसेंसिंग मनावा ड्राइविंग सेंटर का दौरा। सीटीओ ने ड्राइविंग सेंटर में मुख्तलिफ मराहिल में सहूलियात का जायजा लिया। लाइसेंस और टिकटों का रिकॉर्ड भी चेक किया। शहरियों से सहूलियात के बारे में सवाल। अवाम के लिए पेट भरना मुश्किल होने लगा। लाहौर में चक्की आटा मजीद 4 रुपए किलो महंगा। चक्की आटे की नई कीमत 116 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। पंजाब हुकूमत शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने में नाकाम। अल्ताफ कॉलोनी यूटिलिटी स्टोर पर महंगा घी और साबुन भेज दिया, बाकी चीजें गायब। सोलर से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फीन के लिए बुरी खबर। लैस्को को सस्ती बिजली बनाकर फरोख्त करने वाले के लिए कीमत कम करने का फैसला। एक्सपोर्ट यूनिट की कीमत 18 से कम करके 9 रुपए मुकरर करने का फैसला किया गया है। सारिफ को 18 रुपए की अदायगी में कीमत और चार्जेस शामिल हैं। कितना सोना बेचा, कितनी कमाई की। बड़े ज्वेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक करने का अमल तेज। डिफेंस गुलबर्ग के ज्वेलर्स को POS से मुंसलिक करने का अमल जारी। 300 मुरबा फुट पर कायम ज्वेलर्स को PSO से मुंसलिक करने का अमल जारी। शहर के 100 से ज्यादा ज्वेलर्स POS सिस्टम से मुंसलिक। प्लॉट अलॉटमेंट केस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ दिया जाए। बड़े मियां ने भी अर्जी डाल दी। साबिक वजीर आजम ने मौकिफ इख्तियार किया कि तरमीमी एक्ट के तहत नैब को केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में छोटे मियां को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल हो गया। हाई कोर्ट में मुगवी लड़की की बाजियाबी केस की समाअत। आईजी ने मुगवी खवातीन के मुकदमात के लिए SOPs बना दिए। जुराइम की तफ्तीश लेडी पुलिस अफसर के सपोर्ट की जाएगी। इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाले सवालात नहीं किए जाएंगे। सिटी 42 ने SOPs की कॉपी हासिल कर ली।
उम्रा पैकेज के तहत सऊदी अरब में सहूलियात क्यों नहीं दी। ताजदीन ट्रैवल एजेंसी शिमला पहाड़ी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। मजंग रोड के अजीम शहजाद ने अदालत से रुजू किया। सारिफ अदालत में दरखास्त गुजार वकील 24 सितंबर को तलब। सुल्तान गौहर मुतफिका तौर पर चेयरमैन अबाद नॉर्थ मुंतखब। रीजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सुल्तान गौहर को चेयरमैन मुंतखब किया। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज, एस एम इमरान शिराज, अयूब इजहार और अकबर सली की मुबारकबाद। आइए सब मिलकर सैलाब जदा भाइयों की इमदाद करें। हेड ऑफिस में सिटी न्यूज नेटवर्क का इमदादी कैंप जारी। जुनूबी पंजाब और सिंध के इलाके ताहाल मुतासर। फसलें मकानात समेत सब कुछ बह गया। लाड़काना में गजाई किल्लत का सामना। मुतासरीन को अद्वियात, मच्छरदानियों और खेमों की शदीद जरूरत है। फील हो रही है पंजाब में हुकूमत या नहीं, मुझे नहीं पता। हम में से जिसने क्या उसको पता हो। आप कहें कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद को गिरा दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, मैं मुल्क की सड़कें और रास्ते बंद कर दूंगा, और एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें और वाहियात गुफ्तगू करें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए। इमरान खान की लंबी जबान है, पकड़ने वाला कोई नहीं, सब डरते हैं। आशियाना रेफरेंस में पेशी के बाद साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पंजाब में हुकूमत बदलेगी या नहीं कुछ मालूम नहीं। काजा सराओं का शनाख्ती कार्ड तो बनना चाहिए, किसी को बगैर शनाख्त नहीं रख सकते। बिल को हम जिन्स परस्ती से जोड़ना गलत है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की आज सालगिरह। सदर नून लीग को पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल। लीगी कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तराजी उम्र की दुआएं। शहर में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया, दर्जा हरारत भी गिर गया। 72 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिशें होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने वासा LWMC अहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। CCPO वजीरे आला की झप्पी में रहेंगे या विफाक जाना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने ताहाल CCPO का तबादला रोकने के लिए विफाक को खत ना लिखा। गुलाम महमूद डोगर को धमकी तो मिली पर विफाक को चिट्ठी ना मिली। तबादले के बाद वजीरे आला ने CCPO को रोक लिया था। अहकामात पर अमल ना करने पर विफाक CCPO के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर-ए-आला के चहेते अफसरान पर नवाजिशें। ग्रेड 19 के जूनियर अफसर को गुजरात का कमिश्नर लगा दिया गया। वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही ने मंजूरी दे दी। अहमद कमाल मान वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में स्पेशल सेक्रेटरी तैनात थे। अहमद कमाल मान को आज ही गुजरात पहुंचकर चार्ज लेने की हिदायत।